हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैनल लिस्टेक। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपने आईफोन पे बैक टैप ऑप्शन जो है वो ऑन कर सकते हैं। डबल टैप करके कोई भी फंक्शन ऑन कर सकते हैं, ट्रिपल टैप करके भी फंक्शन ऑन कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल आपको जो करना है, आपके मोबाइल पर सेटिंग पर जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर एसेसिबिलिटी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एसेसिबिलिटी आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद टच ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, एकदम नीचे आपको बैक टैप जो ऑप्शन दिख रहा है वो क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको देखिए डबल टैप से आप कौन सी सेटिंग ऑन कर सकते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पर डबल टैप से कैमरा ऑन करना चाहता हूँ, उसे मैंने कैमरा पर सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ट्रिपल टैप का ऑप्शन है, ट्रिपल टैप पर क्लिक करके आप यहाँ पर ट्रिपल टैप से कौन सा फंक्शन ऑन कर सकते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने टॉर्च को सिलेक्ट किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अगर फ़ोन के अपने फ़ोन पर पीछे अगर मैं ट्रिपल टैप करूँगा तो टॉर्च जो है वो ऑन हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर ट्रिपल टैप किया और यहाँ पर टॉर्च ऑन हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने आईफोन पे शॉर्टकट तरीके से डबल टैप करके या फिर ट्रिपल टैप करके कोई फंक्शन ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जैसे डबल टैप करूँगा तो मेरा जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये इस तरीके से आप अपने आईफोन पे डबल टैप और ट्रिपल टैप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।